क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का एक्शन, रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी तो लग गई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक रूस के लिए किस कदर मुश्किल बढ़ा रहे हैं ये आप क्रेमलिन पर हुए हमले से समझ सकते हैं। लेकिन क्रेमलिन पर फिदाइन ड्रोन अटैक करने से पहले यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर भी जबरदस्त बारूदी कोहराम मचाया। सीरियल ड्रोन अटैक से क्रीमिया पेनिनसुला को दहला दिया है। आखिर कैसे, देखिए। कौन कह रहा था कि रूस यूक्रेन जंग की आंच धीमी हो चुकी है। कौन कह रहा था कि बैटल ग्राउंड में बारूदी कोहराम थम चुका है। रूसी प्रहार के आगे यूक्रेन सरेंडर कर चुका है, बैकफुट पर जा चुका है। तमाम आशंकाओं और कयासों पर लगाम लगाती ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है, अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है, अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। बीते 24 घंटों में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पेनिनसुला में दो बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, वो भी यूक्रेनी आर्म फोर्स की तरफ से। आत्मघाती ड्रोन के जरिए बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर ड्रोन अटैक किए। मसलन यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर एक, तमन शहर में मौजूद वोल्ना ऑयल डिपो। यूक्रेन का फिदाइन ड्रोन अटैक नंबर दो, सिमरकोल में मौजूद रूस का मिलिट्री बेस। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने क्रीमिया में मौजूद रूसी डिफेंस को पहले भेदा और फिर क्रीमिया पेनिनसुला के दो अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचाया। अब तक रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही थी। कीव से खार्कीव तक, लवीव से चेर्निहीव तक, खेरसोन से ज़ेपोरिज़िया तक, डोनेस्क से लुहांस्क तक, यूक्रेन के हर प्रांत हर शहर में रूस का विध्वंसक अटैक जारी था। मगर अब यूक्रेन ने क्रीमिया को फाइनल फ्रंटियर बनाते हुए वॉर 2.0 का आगाज कर दिया है और ये दावा खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने किया है। आखिर क्या, ये भी देख लीजिए। हमने क्रीमिया पेनिनसुला की सड़कों, रेल रूट, वाटर पाइपलाइन, ऑयल डिपो या फिर रूसी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, ड्रोन हमले में तहस नहस कर दिया, तो यह इलाका रूस से अलग थलग हो जाएगा। जिसका मतलब यह कि हम बिना रूसी सेना से युद्ध लड़े ही क्रीमिया को जीत सकते हैं और हमारा यही मकसद है। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर के इसी प्लान को यूक्रेनी फौज फॉलो कर रही है। शायद तभी बीते 100 घंटों से क्रीमिया के अलग अलग ऑयल डिपो और रूसी मिलिट्री को निशाना बनाया जा रहा है। पहले यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक में सेवस्तोपोल के ऑयल डिपो को राख किया और अब
क्रीमिया रीजन के क्रास्नोदर प्रांत में बसे तटीय शहर तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को खाक किया है। आपको बता दें कि सेवेस्टोपोल की तरह क्रीमिया पेनिनसुला का वोल्ना ऑयल डिपो भी रूस के लिए काफी अहम है, क्योंकि तमन का वोल्ना ऑयल डिपो 5 मिलियन टन की क्षमता वाला है। इस ऑयल डिपो का इस्तेमाल रूस की नौसेना करती थी, क्योंकि वोल्ना डिपो और सेवेस्टोपोल के बीच पाइपलाइन है। इसी के जरिए रूसी फ्लीट के बेड़ों को तेल की सप्लाई होती है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के चलते सेवेस्टोपोल ऑयल डिपो तबाह हो गया। करीब 40,000 टन क्षमता वाले 10 टैंक जलकर राख हो गए और अब तमन के वोल्ना डिपो को ड्रोन हमले में खाक किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन सेना ने ड्रोन के जरिए तमन के जिस वोल्ना डिपो को निशाना बनाया वो रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और कर्च वही ब्रिज है जिसे यूक्रेनी सेना ने 8 अक्टूबर 2022 को विस्फोटकों से लैस ट्रक में ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया था। तो क्या यूक्रेनी ड्रोन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज को पार करके तमन के वोल्ना डिपो पर धावा बोला, या फिर यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन का असली मकसद कर्च ब्रिज को फिर से उड़ाना था? भले ही यूक्रेनी सेना का मकसद जो भी हो, लेकिन तमन के वोल्ना ऑयल डिपो को उड़ाकर जेलेंस्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हर हाल में क्रीमिया जीतना और कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि क्रीमिया के कर्च ब्रिज को पार करना आसान नहीं है। मतलब ये है कि क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर रूस की खुले तौर पर घेराबंदी हो चुकी है, और जिस तरह से यूक्रेन क्रीमिया पर धावा बोल रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, उससे क्रेमलिन में सनसनी भी फैल गई है। हालांकि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का पलटवार रूस ने भी किया, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सागर के बीच मौजूद क्रीमिया पर मौजूदा कब्जा भले ही रूस का हो, मगर अब क्रीमिया को लेकर भीषण जंग शुरू हो चुकी है। हर हाल में क्रीमिया को यूक्रेन में शामिल करने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।